दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। फाइनली जिस चीज़ के लिए आया था वो काम आज हो जाएगा। तो भाई, अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ और मौसम हो गया है एकदम क्लियर क्लियर ऑल क्लियर। तवा हवा दिखाने का तो फायदा कुछ हुआ। देखा आपने, मौसम हो गया है साफ और हम निकलते हैं। चाय पी लो, फिर उसके बाद एक दिन और स्टे यहाँ पे, उसके बाद फिर घर। तो दीवी जा रही है गाँव, साथ में जाएंगे हम। अब इसलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको थोड़ी सी देर में बद्रीनाथ की यात्रा पे ले जाएंगे। तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ, कभी भी भगवान आपको दिख सकते हैं, क्या पता मेरे रूप में दिखे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों, मिलते हैं अब आपको आगे। बाइक का कि अपना निकल लो टाइम पे, वरना पीछे अब तक पीछे ही फंसे रहते हैं। और आगे देखो भाई, है ये और के यहाँ पे लैंडस्लाइड। ये लव कुश पहाड़ है, बोला जाता है कि भविष्य में अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ से बद्री जो धाम है वो बंद होके वो नीचे साइड हो जाएगा। ये दो, ये देखो, ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़ इस वाले पॉइंट पे चिपक जाएंगे। भाई मजा आ रहा है पूरा राइडिंग में, सच में। लेकिन ये है कि अगर गाड़ी से आते तो फंसे रहते पीछे, इसलिए भैया ने बोला कि गाड़ी मत ले जाओ, ना तुम कैब में जाओ किसी, तुम जाओ बाइक से, टाइम पे भी पहुंच जाओगे और आ भी जाओगे, सफर के मजे भी लोगे। सच की बात है, रास्ता बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे यहाँ पे बीच में आईटी ना वो चेक पोस्ट पड़ता है, तो यहाँ पे कोरोना की रिपोर्ट मांग रहे हैं नेगेटिव की। दो डोज लगी होनी चाहिए ना? नहीं, सिंगल डोज जो भी है। अच्छा हाँ, मतलब तो क्या कहते हैं, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए और वैक्सीन लगी हुई चाहिए, चेकिंग वगैरह चल रही थी। अब मेरा फ़ोन चेंज हुआ पड़ा है, मेरे पास थी नहीं रिपोर्ट। तो बाकी लंबू दिन ने अपना आई कार्ड दिखा दिया कि भाई हम ITBP थे। वैसे झूठ तो हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वैक्सीन तो दोनों को ही लग गए। आपको दो लग गए? मेरे दोनों हो गए, फर्स्ट लाइन वाले हैं ना। अच्छा, पर्सन को जल्दी लग जाते ना। अच्छा, सबसे पहले हमें रिपोर्ट करने के लिए तुम लोग को लग गई है। हाँ ये तो है। Thank you.
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लड़ते गिरते पड़ते यहाँ तक। ये बद्रीनाथ जय हो बद्रीनाथ। अल्लाह से भाई खान पीने का बढ़िया ये लोग यहाँ पे खाली 6 महीने तक रहते हैं, 6 महीने बाद अपना दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये 6 महीने वाली मार्केट है। तो यहाँ से हो गया है बद्रीनाथ का गेट स्टार्ट। और तो ये है, इधर से हम नीचे उतर गए हैं, यहाँ से है नीचे जाने का रास्ता। तो यहाँ से ले रहे प्रसाद, फिर अब जाएंगे ऊपर को मंदिर में। बाकी यार यहाँ का व्यू देखना एकदम। घर इस हिसाब से बना रखे हैं यहाँ पे कि 6 महीने रह सके हम, ये 6 महीने बाद चले जाते क्योंकि बर्फ इतनी पड़ जाती है, सारा ढक जाता है यहाँ पे, तो इसलिए 6 महीने तक। कार्ड ही कार्ड ले लिया हमने। ये भगवान के लॉकेट भी ले जाना भैया। ना ना अभी सब बस। ये सिक्के यहाँ पे टच होंगे बद्रीनाथ मंदिर में, फिर उसके बाद फिर आगे दिखाएंगे। यहाँ पे जूते वूते उतारने पड़ रहे हैं, अभी ये नहीं पता मिलेंगे वापसी नहीं मिलेंगे, अगर यहाँ पे लोग अच्छे हुए तो मिल जाएंगे। हैं मंदिर में एंट्री है यहाँ से, बाकी हम अंदर का अलाउ नहीं है, कैमरा चोरी छिपे बना रहे हैं। मंदिर में जाने के लिए लाइन लगी है, भीतर को थोड़ी भीड़ लगी है। अब यार हम पे बैग भी है, हेलमेट भी है, लंबू कह रही है हेलमेट बैग वहाँ धर आएंगे। बाकी यार शांति है, मज़ा आ रहा है पूरा, इंजॉय भगवान। तो अब लाइन में लग गए हम, धीरे धीरे अंदर जाएंगे। यहाँ तक ही दिखा सकते हैं। तो भाई मंदिर से आ गए हम, बहुत ही अच्छा है यार अंदर से, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए भाई हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते। बाहर से ही भगवान के दर्शन करो, आँख बंद करो और भगवान को याद करो, बाकी तो पूरा लुक ओए ओए बाबा वाला। चलो भाई अब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, खीर है, बाकी 12 बजे मिलता है यहाँ पे प्रसाद। अब हमारे पास टाइम है नहीं इतना, ITBP वालों के साथ आ रखे हैं ना, इसलिए टाइम नहीं है।
भाई ये बहुत घूम लिए, भगवान जी के दर्शन भी कर लिए, अब लिकड़ सा भी लगा दिया है। ये तिलक कितना बढ़िया लग रहा है देखो। ओम बोलो हरि ओम। खाली फोटो लेते ना इधर की, इधर की यार ऊपर बर्फ कितनी बढ़िया लग रही है, यहाँ से पड़ रही है, कितना अच्छा व्यू है, शांति शांति शांति। मंदिर में यार टाइम कितना हो गया लंबू, 12 बज गए जब प्रसाद खाया। दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा भाई, प्रसाद भी नहीं थोड़ा ना मिलेगा। देख लो कुत्तो तुम्हारे लिए कितना सोच रहा हूँ मैं, इतने मोटा रुपया फूक रहा हूँ यहाँ पे। अरे माना में कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है, बाइक के 10 मिनट लगते हैं। अरे सिक्के भी लेने हैं, सिक्के ले ले भाई, ₹150 निकलते तुम ही बोल देख रहा हूँ कुछ। वैसे इनको भी शौक है यहाँ ब्लॉगिंग वगैरह करने का, लेकिन इन्हें टाइम नहीं मिलता ना अब भैया, हाँ तो इसलिए जब मैंने कैमरा लिया था ये भी कह रहे थे लेने की, है ना। ले भाई देख सोते सोते याद आ रहे हैं ना, तो फोटो ना खींची, ये ना खींची, वो ना खींची, फोटो खींच दे बस नहीं। फोटो फाटो भी खींच लिए, अब निकलते हैं अगली यात्रा की तरफ। वो अब कहाँ जा रहे हैं हम? माणा। लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया। अच्छा द लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया माणा जा रहे हैं हम, और जय हो बद्रीनाथ। चलो तो भाई ये पहन ली माला, मैंने तो ये वाली माला ले ली, मेरे को ऐसी पसंद आती है। तो ये भैया की दुकान है उत्तराखंड से, ये रानीखेत साइड से, तो दी ले रही है यहाँ से। हाँ ये वाली मूर्ति दे रहे हैं हम श्री बद्री विशाल जी की। ठीक है तो भाइयों यहाँ पे ये मार्केट है, मंदिर से थोड़ी सी नीचे आ गया इस साइड में मार्केट है।